फिर से स्वागत है दोस्तों आपका गैलेक्सी ट्रांसफॉर्मर्स में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी वायर अच्छी होती है एल्युमिनियम या कॉपर हमारे ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग के लिए। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे वाइंडिंग्स के बारे में। तो दोस्तों ये कंडक्टिंग मटेरियल से बनी होती है जो हमारे ट्रांसफॉर्मर में वाइंड करते हैं हम कोर के अराउंड। इसमें हम प्राइमरी वाइंडिंग देते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग देते हैं जो पावर सप्लाई से पावर ट्रांसफ़र करती है कोर के थ्रू हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग को। और हमारी वाइंडिंग्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे ट्रांसफार्मर में। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि इसमें हम कॉपर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम एल्यूमिनियम वाइंडिंग करते हैं ट्रांसफार्मर में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों जब भी हम ट्रांसफार्मर बनाने का सोचते तो हमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि एल्यूमिनियम का ले या कॉपर वाला, तो यही हम डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस की एल्यूमिनियम या कॉपर की, तो एल्यूमिनियम का ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है दोस्तों कॉपर के मुकाबले। ये दोस्तों सेम लेंथ और सेम मोटाई के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसका क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे ट्रांसफार्मर के लिए? तो दोस्तों अगर हम सेम VA का ट्रांसफार्मर बनाएंगे एक एल्यूमिनियम और कॉपर वाइंडिंग से, तो हमारे ज़्यादा लॉसेस होंगे रेजिस्टेंस की वजह से, हाई रेजिस्टेंस की वजह से हमारे एल्यूमिनियम ट्रांसफार्मर में। और जितने ज़्यादा लॉसेस होंगे दोस्तों हमारे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी उतनी कम हो जाएगी, और जिस वाइंडिंग का ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है दोस्तों उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा हो जाता है, तो हमें रेटेड आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है दोस्तों, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो यही कुछ वजह है दोस्तों जिसकी वजह से हम कॉपर वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये हो गई कमियाँ एल्यूमिनियम वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की। अब देखते हैं दोस्तों इसमें छोटे मोटे एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों ये वज़न में काफ़ी हल्का है कॉपर से, तो हमारे ट्रांसफार्मर का जो वज़न है वो कम होता है। ये कॉपर से काफ़ी सस्ता है दोस्तों, और इसमें ज़्यादा लचीलापन है। अगर मोटी वायर की अगर आप वाइंडिंग करोगे हाथ से तो आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती, अगर कंपेयर करें कॉपर से। कॉपर इतना ज़्यादा लचीला नहीं होता है दोस्तों एल्यूमिनियम के कंपेयर में। तो हम एल्यूमिनियम वाइंडिंग हाथ से भी अच्छे से कर सकते हैं, इसके लिए हमें मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हमारे वायर मोटी है तो। तो अभी तक आप समझ गए होंगे दोस्तों कि कॉपर अच्छा है एल्यूमिनियम, लेकिन कंक्लूजन में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप ट्रांसफार्मर बनाना चाहते हैं, अच्छा ट्रांसफार्मर बनाना चाहते हैं, तो आप कॉपर का ही खरीदे, कॉपर का ही बनाइए। और दोस्तों अगर आप ट्रांसफार्मर बनवाना चाहते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप हमसे बनवा सकते हैं। दिए गए नंबर पर कॉल करें आपकी क्वेरीज के लिए। हम काफ़ी सारे वैरायटी के ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं दोस्तों, ऑडियो आउटपुट ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर के लिए ट्रांसफार्मर हम बनाते हैं, स्टेबलाइजर के लिए हम बनाते हैं दोस्तों, एम्पलीफायर, ये आप लिस्ट देख सकते हो। तो दिए गए नंबर पे कॉल करें। थैंक यू।